बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पल नवालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, हैंड रेस करके अपने डाउट्स जिनको भी हैं पहले हैंड रेस कीजिए। सारे प्रबुद्ध सुंदर साथ आए हैं। हाँ जी, नहीं तो चित्रा, अरे वाह, वेरी गुड। कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, मुझे ये पूछना है, जो चांदे के पास फर्स्ट बड़ो वन का वृक्ष आएगा वो कहाँ पर आएगा? ये आप नैऋत्य कोण के चह बच्चा की बात कर रहे हाँ हैं जी, मैडम। हाँ जी, हाँ जी चित्रांशी, मैप लगा रही हैं आई थिंक। हाँ जी, एक मिनट सुंदर साहब जी। कोई बात नहीं। कहीं से आवाज आ रही है सुंदर साहब जी, ठक ठक की ना। मेरे ख्याल चित्रांशी के यहाँ से ही आ रही है क्या? हाँ जी लग रहा है। हाँ जी, तब तक मधु दीदी आपके दिल में कोई प्रश्न आता है ना, जब तक चित्रांशी वापस आती है, आप अपने दिल में अनु आपके दिल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। विजय आंटी, शशि आंटी, आप भी रेडी रखिएगा कोई क्वेश्चन आए तो, बीच में अगर समय मिले। हाँ जी बेटा। अगर आप फोन हॉरिजॉन्टल करोगे ना तो फुल पिक्चर आएगी बेटा। आंटी, ये वाला नक्शा ठीक है क्या? हाँ जी, एक ही चह बच्चा का हमारे पास बना हुआ है आज तक, आप ये ले सकते हो, नहीं तो फूल बाग के साथ वाला ले लो, कोई भी चलेगा। ये वाला ठीक है ना? हाँ जी, फूल बाग के साथ वाला लो। हाँ जी, ये परफेक्ट है। सुंदर साजी, ये जो नैऋत्य कोण का जो चह बच्चा है उसमें चांदे द्वारा सीढ़ियां, इस यहां पर एक चांदा आया है, एक यहां पर चांदा आया है, और एक ये फूलबाग से लगता हुआ आया है। तो ये इस वाले चांदे से जो पहला बड़ो वन का वृक्ष यहाँ पर आएगा, आप आंटी आप दूरी पूछ रहे हो ना? वो पूछ रहे हैं लोकेशन कहाँ पे आया हुआ है। आई थिंक कुसुम आंटी आप बोलिए, अनम्यूट करके। दीदी, जो फर्स्ट चांदा आया है तो उसमें हाँ वहां पर जी, किस जगह पर पहला पेड़ आया बड़ो वन तो का? आंटी वो पहला वृक्ष जो आएगा वो उस चांदे के पिठोर से लगता ही हुआ आएगा। नहीं, चांदे की पिठोर से तो लगते हुए सारे ही वृक्ष आएंगे, ये हाँ जो जी, दोनों तीनों आएंगे वो सारे ही आएंगे, लेकिन ये चांदा, जैसे दो दो मंदिर का चांदा है, तो दो मंदिर के चांदे के शुरू में ही जैसे उधर आया था अग्नि कोण में आया था, तो वहां पर पहला वृक्ष जो आता है बिल्कुल पिठोर से लगे, दो चांदे के बीच में ही उनके तने आ जाते हैं, चांदे के बीच में दोनों तने आते हैं ना उनके।
क्योंकि वो दो दो मंदिर एक तना बीच में ही आता है, एक तना छह बच्चे की और छह बच्चे की कोट दीवार और चांदे के मिड में आता है, और एक बाहर चांदे के बाहर आता है क्योंकि वो दो मंदिर की दूरी आती है उसमें। हाँ जी, तो वो तो दोनों चांदे के बीच में ही आ जाते हैं ना उनके तने। तो यहाँ हाँ पर जी किस हाँ जी जगह पर आता है, यहाँ पर किस जगह पर आता है पहला वृक्ष? दूसरा तो काफी दूरी पर हो गया चांदे से, लेकिन जो पहला वृक्ष की शुरुआत है वो कहाँ पर होगी? वो चांदे के बिल्कुल मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है वो चांदे के इधर लगते हुए ही आएगा। बाकी सोनिया आंटी मीनू आंटी हैं, आप एक बार बता दीजिए। कुसुम दीदी, हाँ पेड़ों जी की दूरी का हिसाब देखते हैं ना अपन, दीदी, दूरी तो इसमें 125 मंदिर की है ना, है ना? लेकिन जो जो पहला वृक्ष है वो मतलब चांदे के बिल्कुल साथ में ही आएगा, या चांदे से अलग से आएगा, या चांदे के बीच में आएगा? हम वो वाली जगह तो छोड़ देना, बट के वृक्ष वाली जगह से स्टार्ट हाँ करेंगे ना। जी बट के हाँ वृक्ष जी का हमारा कितना, 105 मंदिर एक की सौ वो जो पांच का। जगह हाँ है जी ना, हाँ, वहां से स्टार्ट करेंगे, है ना? तो उसके बाद चांदा शुरू हो जाएगा। है ना, वहां ही से स्टार्ट करेंगे, फिर वहां से लेकर दूसरे पेड़ में जहाँ 120 मंदिर की दूरी पड़ती होगी ना, हाँ जी नेक्स्ट वाला वृक्ष। अब वो हाँ जी चांदा, हम हिसाब लगाते हैं कि चांदा कितनी, उसकी पूरब और पश्चिम में पूरा हिसाब लगाते हैं कि वो चांदा कहाँ आ रहा है। मेन तो वही सोनू जगह होनी चाहिए ना। जी मैं 1 मिनट एक और नक्शा शेयर करके बताऊंगी आंटी। और मेरी ना एक रिक्वेस्ट है कि आप स्पेशली सुंदर साथ जी, बच्ची है, युवा सुंदर साथ है, उसका हौसला हमने बढ़ाना है, थोड़े से इजी क्वेश्चंस पूछेंगे और गिनती कम पूछेंगे ताकि वो जी बच्ची नेक्स्ट टाइम फिर से ये प्रेजेंट करने आए और उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। मैं आपको चांदे का बताती हूँ आंटी। जो चांदा आता है ना, वो जहां शुरू होता है वहां पे वृक्ष नहीं आता, जहां अंत होता है ना चांदे का वहां पे, क्योंकि बट के वृक्ष ने पूरी छाया डाल दी है उधर आधे चांदे तक। फिर आधे चांदे के बाद मैं 1 मिनट बेटा मैं शेयर कर रही हूँ एक स्क्रीन, उसके बाद आप शेयर करना फिर से, ठीक है? हाँ जी हाँ जी ये देखिए सुंदर साहब जी, यहाँ पे ये देखिए, ये जो पहला चांदा आता है ना, इसके या ये है ना पूरा हमारा ये चांदा है, मैं इसको व्हाइट कलर में करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये है ना पूरा चांदा यहाँ पे, तो जो पहला वृक्ष आता है ना वो चांदा खत्म होने के बाद मतलब यहाँ पर आता है, यहाँ पर, ठीक है? तो ये पूरी छाया यहाँ पे बट के वृक्ष डालते हैं यहाँ तक 105, आधा चांदा। तो वैसे तो हर चांदे के एंड में, यानी ये चांदा ठीक यहाँ पे शुरू हुआ एंड में आएगा इधर, पूरा एक ठीक सौ है बीस मंदिर, फिर अगला चांदा, पूरा चांदा खत्म हुआ एंड पे आएगा नेक्स्ट वीक, ठीक है? ठीक है। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी बेटा आप भी प्रणाम सर, शेयर करो। प्रणाम जी। अभी हम प्रणाम सर, रिवीजन की तरह से इजी इजी क्वेश्चन थोड़े से, और डाउट्स भी हमारे क्लियर हो जरूर, पर गिनती कम और जितना हो सके हम चित्रांशी का हौसला भी बढ़ाएंगे और डाउट्स भी पूछेंगे। हाँ जी सुंदर साहब जी। हाँ जी नेक्स्ट भी किसी ने हैंड रेस किया था, कौन से सुंदर? हाँ जी थैंक यू। हैंड रेस करना इस टाइम बहुत बड़ी सेवा है चित्रांशी का, एनकरेजमेंट के लिए हैंड रेस कीजिए, दिल में प्रश्न है वो पूछिए। हाँ जी विजय आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी कल एक क्वेश्चन आया हुआ था डाउट्स में, जो अपने, यदि नारंगी वन के हम चांदनी पर खड़े हैं तो हम तीसरी चांदनी पर हैं, तो हमारे पीठ जो है पूरब की दिशा में है और मुख पश्चिम में है, तो इसमें सुंदर सा आपने कई क्वेश्चन थे जो आए, समझ भी आया। एक चीज, अगर हम तीसरी चांदनी पर हैं तो चांदनी चौक तो नीचे आ गया ना। वैसे तो हर चीज संभव है, जो मर्जी देख ले। मैं थोड़ा सा इसलिए समझना चाह रही थी कि नीचे चांदनी चौक, हमें तो यहाँ से बट पीपल की चौकी, रंग महल, चाय बच्चा, ये सब शोभा तो दिखाई दे रही है,
तो चांदनी चौक हमें कैसे दिखाई देगा, वो तो झुक के देखना पड़ेगा। हाँ जी बेटा कंटिन्यू। एक मिनट में मैप शेयर कर दे रही हूँ। अब आप ना मैप शेयरिंग ही रखना बेटा, ठीक है? अब मैं बीच में शेयर नहीं करूंगी, लास्ट में करूंगी ताकि आपको शेयरिंग रोकनी ना पड़े। क्योंकि बीच में तो जांबू की भी चांदनी आ गई, 500 मंदिर, अमृत वन का भी थोड़ा हिस्सा आया। दीदी 78 मंदिर की जगह खाली है ना, तो वहां से शायद चांदनी चौक नजर आएगा। हाँ जी आंटी, मैं भी यही बोलने जा रही थी। इसको रोटेट कर लो, पूरा ऐसे कर लो नक्शा। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल करेंगे ना फोन को, तो हाँ अब ठीक है ना? ठीक है, बस जूम कम कर लो, कोई बात। हाँ जी, वो वन दिखाई दे रहे हैं बेटा सारे, वेरी गुड। सुंदर सा जी, आंटी का क्वेश्चन यही है ना कि अगर हम नारंगी वन की चांदनी पर है तो हमें चांदनी चौक कैसे दिखेगा? तो आंटी वहां से तो हम आगे, इस चांदनी से हम और आगे आएंगे तो हमें चांदनी चौक में जो बीच में 166 मंदिर का जो चांदनी चौक है वो आगे चलने के बाद ही दिखेगा। हाँ वही, मैं चलना पड़ेगा ना, अगर खड़े हैं तो डायरेक्ट तो नहीं दिखाई दे सकता। हाँ जी, मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन पूछने वाली भी हमारे बीच में यहाँ पे हैं, अभी रेनू दीदी भी हमारे पास हैं जिन्होंने ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन पूछा था, अति सुंदर। तो नारंगी वन की चांदनी पे खड़े हैं तो इतनी दूर से झलकता हुआ दूर छलक आ सकती है कि कुछ खुला हुआ है वहां पे, पर नीचे, हाँ जी बिल्कुल आपने सही पकड़ा, ये बहुत सुंदर। अब आप वर्णन भी कर लीजिए। रांची बेटा और पूछनी थी, जैसे हमारे नैरित कोने में आया बट पीपल की ने छाया करी, फिर जो हमारे बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं वो 120 120, ये तीन हिस्सों में छाया करेंगे। आंटी एक पार्ट में तो बट पीपल की चौकी में से, हाँ जी 105 और हाँ जी 105 में बट के वृक्ष ने छाया कर ली, और जो दो पार्ट होंगे 120 और 120 के वो बड़ो वन ने ही छाया करी है, और जो बाकी बचे 105 है वो फूलबाग का, जो आप आंटी आगे समझाएंगी वो फूलबाग से आगे कनेक्ट होंगे, वहां से आएगी छाया जैसे आंटी कल बताएंगी। ठीक है बेटा, हाँ जी प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी बेटा, वेरी गुड चित्रांशी, बहुत अच्छा समझा रहे हो बेटा, वेरी गुड, प्रणाम जी। बहुत बहुत प्यार चित्रांशी बेटा, बिल्कुल। हैंड रेस कीजिए सुंदर साथ जी, नेक्स्ट डाउट यदि किसी सुंदर साथ का हो। हाँ जी चित्रांशी, आपने कोई क्वेश्चन सोचा है तो आप पूछ लीजिए तब तक जब तक सुंदर साथ डाउट सोच रहे हैं। मेरे दिल में आंटी एक क्वेश्चन मतलब आया था कि प्रथम भूम के जो 10 मंदिर के जो स्पेशल हांस आया आगे, और जो तीसरी भूम में जो आगे 10 मंदिर का स्पेशल हांस है, उन दोनों में क्या डिफरेंस आया है, कोई सुंदर साथ अगर बताना चाहे तो। क्वेश्चन रिपीट करना बेटा। प्रथम भूम में जो 10 मंदिर का स्पेशल हांस आया है और तीसरी भूम में जो 10 मंदिर का स्पेशल हांस है, उन दोनों में क्या डिफरेंस आया है? हैंड रेस कीजिएगा, वेरी गुड, आप बोलिए प्रियांशी कौन उत्तर देंगे। आंटी आप किसी को भी अनम्यूट कर दीजिए, कोई बात नहीं, सारे अनम्यूटेड हैं, आप नाम लीजिए बस। आंटी आप स्क्रीन पे सही से दिख रहा होगा, आप किसी को भी बोल दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ जी नीलम दीदी, नीलम मिड्डा दीदी, आप बोलिए प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी,
दीदी ये ना जो पहले और दूसरे वाले हैं ना, वो धाम चौक होने से ये चार चार मंदिर के चबूतरे जो हैं वो अलग हो गए हैं, और जो तीसरी भूमि है वो पर साल में एक समान हो गया है। ठीक है, और कुछ बताना? अति सुंदर। पहला डिफरेंस तो नीलम दीदी ने हमें बता दिया, आप बहुत अच्छा समझाते हो नीलम दीदी। मैं आपको कभी कभी सुनती हूँ, इतना सुंदर आप एक्सप्लेन करते हो, वेरी ब्यूटीफुल। दीदी मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, सच्ची में बता रही हूँ। मैं तो बस देख देख के और समझ समझ के आपका दोबारा वीडियो फिर देखती हूँ, जो सवेरे वाला होता है वो दोबारा देखने पे मुझे ज्यादा अच्छा समझ में आता है, क्योंकि एक बहुत बार विजन सुंदर। और हो जाता है ना, एक बार विजन और हो जाता है ना, तो फिर थोड़ा मेरे को तब समझ में आता। आपके चरणों में प्रणाम जी। अनदर डिफरेंस, एक और डिफरेंस सोचिए सुंदर साहब जी। पहली भूम और तीसरी भूम में कोई डिफरेंस आया हुआ है सामने, पूर्व के हास में कोई और डिफरेंस? हाँ जी, मधु दीदी आप बता दीजिए अब। हाँ जी, प्रणाम सुंदर साहब जी, सभी को प्रेम भरा प्रणाम जी। एक तो डिफरेंस ये है कि जो हमारे पहली भूमि के चबूतरे आए हैं वो एक पक्ति ऊपर आए हैं। अगर हमें वहां से परिक्रमा रोज पे जाना है तो हमें एक पक्ति उतर के जाना पड़ेगा, और चौक में आना है दो मंदिर के लंबे चौड़े तो भी एक पक्ति उतर के आना पड़ेगा, और तीसरी भूमि में वो तीन पक्ति ऊपर है तो इसलिए हमें तीन पक्ति नीचे उतर के परिक्रमा रोज पे जाना पड़ेगा। जबकि दूसरी साइड तो हमारा पूरा मिलान ही हो गया दोनों चबूतरों का, तो वो चार चार मंदिर के ना रह के पूरा 10 मंदिर का एक बड़ा हमारी पड़साल बन गई है। और दूसरा ये है डिफरेंस कि जो पहली भूमि में पीछे चबूतरों के पीछे मंदिरों की शोभा आई है, पूरे मंदिर आए हैं पीछे, एक बीच में मतलब झरोखा तो पहली मंजिल में नहीं दूसरी मंजिल में आया, लेकिन पीछे हमें झरोखों की दीवार दरवाजे और वो सब नजर आते हैं हमें, जाली द्वार और दरवाजे। लेकिन जब हम तीसरी भूमि में आते हैं तो हमारे तीन तीन मंदिर दोनों साइड पे हमें नजर आते हैं, और बीच में हमारी दहलान की शोभा नजर आती है हमें, चार मंदिर की। जो हमारे दाएं बाएं के मंदिर चार चार थे जो पहली भूमि में, उनका एक एक मंदिर दहलान के बीच में आ जाने से चार मंदिर की लंबी और एक मंदिर की चौड़ी दहलान भी बन जाती है, और उसके पश्चिम में फिर एक चबूतरा भी शोभायमान हो जाता है और आगे पड़साल की शोभा आ जाती है, जो 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी पड़साल है हमारी। तो ये डिफरेंस जो मुझे समझ आए हैं, तीन डिफरेंस, एक तो उन्होंने बता ही दिया था नीलम दीदी ने, और बाकी ये है, और एक मेन तो है ही है जो हमारा धाम दरवाजा पहली भूमि में हमें चबूतरों के बीच में नजर आ रहा है, और ऊपर जाने से वो धाम दरवाजे की शोभा नहीं है वहां पे, वहां पे खुली पड़साल और एक खुली, अगर हमारी इच्छा होती है तो वो जो बीच के भी मंदिर है हमारे तीन और तीन जो रंगपर वाली मंदिर के साथ दाएं बाई इधर है वो भी हट जाते हैं, और एक बहुत खुली जगह बन जाती है हमारी, खुली दलान खेलने के लिए, बाग में दौड़ने के लिए, सब सखियों का या जी के संग बैठने के लिए खुली जगह बन जाती है। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। चित्रांशी यहाँ इतने इंटेलिजेंट सुंदर साथ बैठे, इतने हमने सोचे ही नहीं होते जितने डिफरेंस आगे से आ जाते हैं। प्रणाम जी दीदी। एक और डिफरेंस एक और है अभी अभी आई थिंक। हाँ जी नरेश भैया आप बताइए। मुझे तो लगता है कि मधु भाभी ने, प्रणाम जी, मधु भाभी ने सारे बता दिए हैं। जो मुझे लग रहा है वो कि भी एक तो इधर नीलो पीलो मंदिर सामने आता है और सिंहासन रहता है तीसरी भूमि के प्रसाद पर, जिसपे राजश्यामा जी सिंहासन, वो जो पुखराज और पांच के थंबों के बीच में एक सिंहासन रहता है और वो पश्चिम की तरफ मुख करके राज्य बैठते हैं। और नीलो पीलो मंदिर का तो बता ही दिया इन्होंने, रंगपर वाली मंदिर के बारे में जो सोच रहे थे। और भैया आज आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा था ना जो ग्रुप में आया था, उसमें भी वो डिफरेंस आया था। एक और मैं सॉरी, मैं पढ़ नहीं पाया एक्चुअली, मैं अच्छा ऑफिस के काम नहीं, से बिजी था अभी एक और है मेन एक और जी, है, वो डिफरेंस ना और उसमें आया हुआ है दहलान, वो ग्रुप में। दहलान पर भी ये तो बताया, बड़ा ये मेजर डिफरेंस बताया मधु भाभी ने कि भी वो चार मंदिर की दहलान बन जाती है और चबूतरा भी एक मंदिर दोनों साइड से ले लेते हैं हम लोग। और ये एक तो सिंहासन, और दूसरा कि भी हाँ जी भैया आपने बहुत सुंदर बता दिए। अंजलि पहली बार बोल रही है आई थिंक, उनसे भी हाँ पूछ हाँ लिए श्योर श्योर डिफरेंस श्योर उनसे। हाँ जी हाँ अंजलि आप बताइए। प्रणाम जी, प्रणाम बड़ा जी। सुंदर प्रश्न आया आज।
प्रणाम जी। नहीं मैं तो क्वेश्चन पूछी थी, वो मुझे थंबों की मेराबों का ही पूछना था जो आज क्वेश्चन था। हाँ जी, मेरा हाँ तो डाउट था। अरे वाह, और डिफरेंस में वैसे ये था कि जैसे यहाँ पे भी मतलब लीला होती है, सुबह दर्शन देते हैं अक्षय ब्रह्म को और पशु पक्षियों को सुबह दर्शन देते हैं राजी शर्मा जी और सब सखियां। हाँ जी, और ये सुंदर साथ ने भी लिखा है यहाँ दो मंदिर की मेहराब आती है, नीचे देखिए खाली हीरे के थंब आ रहे हैं, मेहराब नहीं बनी हुई पहली भूम में, तीसरी भूम में पूरी मेहराब बन के सामने आती है। और पहली भूम में कितनी मेहराबें आई हैं फिर उसके बारे में सोचिए, डिफरेंस होगा वो। हाँ जी, कुसुम आंटी ने नहीं बताया इसका, और मीनू दीदी से पूछेंगे लास्ट में सम अप करने के लिए। हाँ जी कुसुम आंटी, उत्तर और दक्षिण में जो हम चबूतरे से गुर्ज में जाएंगे तो प्रथम भूम में तो एक सीढ़ी उतरनी पड़ेगी, और जो तीसरी भूम में वहां हमें तीन सीढ़ी उतर के फिर जाना पड़ेगा गुर्ज के अंदर। हाँ जी बहुत सुंदर, ये मोस्ट प्रोबेबली मधु दीदी ने ये कवर की थी कि तीन सीढ़ी उस पे उतरना पड़ेगा, तो उसका ही ए पार्ट वेरी गुड कि गुर्ज में जाने के लिए भी तीन सीढ़ी उतरना पड़ेगा, अति सुंदर। तो इसमें 20 मेहराबों की शोभा आई और तीसरी भूम की पड़साल में 22 मेहराबों की शोभा आई, क्योंकि ये जो हीरे की मेहराबे है ना वो नीचे वाली भूम में नहीं आई हुई है। हाँ, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, क्या जो तीन सीढ़ियां हैं ये चांदो द्वारा है इस जगह तीसरी भूम में? ये चबूतरे से उतरने के लिए, मतलब ये पड़साल से उतरने के लिए तो नॉर्मल सीढ़ियां, नॉर्मल है ना, मंदिरों से पीछे उतरने के लिए 28 स्तंभ के चौक की तरफ चांदो द्वारा है। वो चांदो द्वारा, हाँ वही, तो थोड़ा बैठ लिया, अचानक ही क्वेश्चन आ गया, ये तो कुछ पढ़ याद नहीं था। हाँ जी चित्रांशी, कोई और डिफरेंस है तो आप बता सकते हैं आप? नहीं आंटी, मुझे यही सारे याद थे, बाकी सब सुंदर साथ ने बहुत सुंदर तरीके से बता दिया। बेटा आप बहुत अच्छे बजा रहे हो। से पूछो ना, मीनू हावी कह रही थी एक और है, उनसे पूछो। हाँ जी, नहीं नहीं, मैं वही क्लियर कर रही थी गुर्जों वाले ही, क्योंकि गुर्जों अच्छा। की शोभा हमने अच्छे से रिवाइज हो जाती है कि गुर्ज की शोभा कैसी आई है, उसके अच्छा। तीन दरवाजे वही साइड से तीन दरवाजों की शोभा जैसे हमने समझी थी, ऊपर वाली शोभा कैसी आई है वो थोड़ा रिवीजन हो जाता है कि गुर्जों के अंतर की बात, बाकी सेम ही बात बोली थी जो तीन सीढ़ी और यहाँ से हमारा एक सीढ़ी चढ़ के हम गुर्ज के अंदर जाते हैं और ऊपर तीसरी भूम में तीन सीढ़ी हो जाता है, बस यही थोड़ा सा फर्क है, बाकी सब कंप्लीट हो गया है पहली और तीसरी भूमि की शोभा। अरे वाह, मीनू दीदी ने अभी बोला ना, मतलब वहां चढ़ना और उतरना पड़ेगा, यहाँ तो उलंघना पड़ेगा। हाँ, या उलंघना बिल्कुल। हाँ जी एन के परमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम जी, हाँ जी आपका कोई संशय है एन के परमार जी? नहीं, तो चित्रांशी आप सुंदर सा जी संशय पूछिए, हैंड रेज कीजिए, यदि नहीं है तो फिर चित्रांशी पूछेंगी। सुनो एक क्वेश्चन आपने जो कल समझाया था ना, मुझे जल्दी से आप बोल गए थे, वो समझ नहीं आई थी नैरित कोने की, कि सबसे बड़ी चंद्रमा कहीं देखा है आपने छत पर, जो वो एकदम जल्दी से बोल लिया था, वो समझ नहीं आई थी कि कहाँ देखा है सबसे बड़ी छाया। हाँ जी, वो चहे बच्चे पर दीदी सबसे बड़ा छत्री मंडल किन कौन से सेम वृक्षों ने डाला? हाँ, है आपने पूछा था, मुझे क्लियर नहीं हुआ था तो उसको क्लियर। हाँ जी, तो वो जो अग्नि कोण का चहे बच्चा था ना दीदी, उसपे जांबू के वृक्षों ने, और मैं ना प्रियंका वाला एक मिनट खोलती, उन्होंने ये बड़ा सुंदर। हाँ जी, आप शेयर करिए आंटी। हाँ जी, आपने अभी रोका ना तो मुझे लगा मैं शेयर कर देती। या बोलो क्या कहते हैं चित्रांशी, इस बात का रिप्लाई दो, मुझे कल क्लियर नहीं हुई थी ये बात। हाँ जी बेटा, ये नक्शा है, आप बोलिए इससे। आंटी आप एक बार फिर से क्वेश्चन बताइए। कल सोनू ने हमें समझाया था कि सबसे बड़ा छत्री मंडल और कहाँ देखा है ना, इसके अलावा नैऋत्य कोण के अलावा सबसे बड़ा छत्री मंडल अग्नि कोण है ना, यही क्वेश्चन था, तो उसको और अच्छे से कर दो, सुंदर साथ को और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मेरे हिसाब से जो समझ में मुझे आया है, वो अग्नि कोण में जो छह बच्चा आया है उसमें
जो दो वनों की जांबू और नारंगी वन की जो छाया है ये दो भूम तीसरी चांदनी तक गई है, मतलब ये कनेक्ट होती हुई बहुत बड़ी छाया आएगी जो डायरेक्टली छह बच्चे पर आएगी और एक साइड से मतलब 1/4 ऑफ द छह बच्चे के पार्ट में बट के वृक्ष ने छाया डाली है जो चार भूम पांचवी चांदनी तक छाया गई है। सोनू आप बताओ। मैं ये बोल रही थी कि सेम टाइप ऑफ वृक्षों ने कहां सबसे बड़ी छाया डाली, तो ये जांबू ने डाली इतने पे है ना, और नारंगी ने डाली 1/4 पे, उधर बट ने भी डाली 1/4 काइंड ऑफ, और ये भी 1/4, तो ये रही सबसे बड़ी छाया एक ही तरह के वृक्ष। जांबू ने आधा चाहे बच्चा कवर तो किया, पर कितने मंदिर कवर किए यहाँ पे, कितने मंदिर का छत्री मंडल, क्योंकि यहाँ तो छत्री मंडल आया ही नहीं इतने पार्ट में, तो ये कितना पार्ट हुआ जिस पर जांबू ने अपना छत्री मंडल डाला है, कितने 225 मंदिर, नहीं ओनली जांबू बेटा 120 105 आएंगे ना, 105 इधर से और आगे 220 और, तो कितने हुए 120 और 105 225 225। तो मैं ये ना बताती हूँ आपको सुंदर सा जी, ये देखो ये आए 105 मंदिर आए पहले और फिर पूरा 120, तो आप प्लस करो तो बिल्कुल सही कहा चित्रांशी ने, 225 मंदिर का ये छत्री मंडल हमारा अब तक का सबसे बड़ा देखा हुआ इतना रहा। अब क्या हुआ, हम चले गए नैऋत्य कोण के छह बच्चा पर। अब नैऋत्य कोण के छह बच्चा पर क्या हुआ ये देखिए, अब इनपे क्या हुआ, इनपे हमारी सबसे बड़ी छत्री मंडल कितनी रही सुंदर साहब जी, यहाँ से स्टार्ट हुए हमारे 240, तो ये 120 और फिर 120, तो टोटल हो गया 240, वो थी 225 और ये 240, तो अब तक का सबसे लंबा छत्री मंडल एक ही प्रकार के वृक्षों का यहाँ पे मिला, ये था। हाँ कल क्लियर नहीं हुई थी ना, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे आप, समझ नहीं आ रही थी मुझे बात। ये सोनिया जी जांबू के पर भी दो हिस्से में मतलब छाया पड़ी है। हाँ जी, जांबू ने दो हिस्से में, नारंगी ने एक हिस्से में और बट ने एक हिस्से में, जिसमें से हम 30 मंदिर निकाल देंगे पीछे के, फिर हम डिवाइड करेंगे उसके पोर्शन को, फिर डिवाइड करेंगे 105 और 115। मधु दीदी पहले 30 मंदिर नहीं निकालेंगे, पहले डिवाइड करेंगे फिर 15 दोनों तरफ से 15 यहाँ से आप शुरू करो तो ये है 120 मंदिर, फिर से 120 मंदिर, फिर से 120 मंदिर और फिर से 120 मंदिर, पर ये वाले 120 में से यहाँ पर छाया आई ही नहीं, तो ये बना 105 मंदिर, यहाँ भी छाया नहीं आई तो ये भी 105 मंदिर, पर ये तो पूरे पूरे रहे, यहाँ तो पूरी छाया आई, जो रंग महल के साथ लगेंगे बस वो 105, बाकी 120। बिल्कुल बिल्कुल, तो जांबू इसीलिए थोड़ी छतरी कम रह गई क्योंकि वो रंग महल के साथ मिले हुए थे, तो इनकी इसीलिए लंबी बन पाई क्योंकि ये रंग महल के साथ मिले हुए नहीं है। सुंदर साहब जी और प्रश्न, हैंड रेज नहीं हो रहा कोई भी, चित्रांशी आप पूछो, ये हम क्विज सेशन कर लिया करेंगे, डाउट है ही नहीं सुंदर साहब की कोई डाउट तो बहुत है। आपने आंटी समझाया इतना अच्छे से, किसी का कोई डाउट ही नहीं है। नहीं नहीं सुंदर साहब जी दिल में ना रखिएगा, बोलिए डाउट्स को। हाँ जी बेटा आप पूछो फिर। श्री बट पीपल की चौकी में प्रत्येक जो चौक आया है वो कितने मंदिर का लंबा चौड़ा है और उसकी क्या शोभा है, मैं नक्शा शेयर कर रही हूँ, आप हैंड रेस करिए सुंदर साहब। क्वेश्चन दोबारा बोलना बेटा। श्री बट पीपल की चौकी में प्रत्येक जो चौक आया है वो कितने मंदिर के लंबे चौड़े हैं और उनकी क्या शोभा है, प्रत्येक चौक की क्या शोभा आई है, तो मंदिर का ये तो सबको आता होगा थोड़े से, हम सुंदर साहब सब हैंड रेज कर सकते हैं इसमें, तो जितना जितना जिसको आता है ना वो बताइए, फिर अगला सुंदर साहब पकड़ लेगा, घबराइए नहीं। सो मंदिर वीना दीदी, हाँ जी मीनू दीदी,
मंदिर के चौक आए हैं, बीच में जो है 33 मंदिर का चबरा उठा, जिसमें एक पीपल का, एक में पीपल का वृक्ष है और चार। वो आपका म्यूट हो गया गलती, मैं ना सुषमा दीदी को अनम्यूट कर रही थी। तो कर लो, आप पूछ लो उनसे, पूछ। नहीं नहीं, आप बोलो उसके बाद उनको कर रही थी। यहाँ पर हमारे जो है 100 मंदिर के चौक, लंबे चौड़े चौक बने हैं, 15 की 5 हारे थे, और में हमारे 75 चौक आएंगे, और बीच में जो है हमारा 33 मंदिर का कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा है, जिसमें हमारी जो है 20 सीढ़ियों की शोभा भी आई है, चकोर भी है और गोल भी है, इसमें सुंदर रेती है, नग्नो जड़ित रेती आई हुई है, बस चौके चारों तरफ नहर है, 50 के बीच में नहर आई है और 25-25 के बीच में हमारी पाल आई है, जिसमें शायद हमारी फिलवारी की भी इसमें शोभा है, ध्यान नहीं आ रहा। जी अब हम ना सुषमा दीदी से पूछते हैं। सुषमा, सुषमा दीदी प्रणाम जी, आप बताइए फुलवारी आई है और आगे की शोभा? नहीं, फुलवारी नहीं आई है यहाँ। नहीं आई है, बिल्कुल फुलवारी नहीं आई। और 33 मंदिर के जो चौक बने हैं उस पे एक बटका पे और एक पीपल का ऐसे बारी बारी से गए हैं, पहली में जैसे बट से शुरू होके बट तक ही गए हैं, और इसलिए एक बट का पेड़ ज्यादा होता है। और इसमें जो सीढ़ियां उतरी हैं अंदर की तरफ, एक तो पुल के साथ उतरी है, चारों तरफ पुल के साथ, और फिर दो दो उसके दाएं बाएं, यानी चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां और चारों कोनों में गोलाई में थोड़ी सीढ़ियां आई हैं। और इसका तना एक मंदिर का मोटा है और इसके अंदर सीढ़ियां हैं गोलाईदार, और चारों कोनों वाले जो पेड़ हैं उसमें पानी जाता है, उसमें पानी का स्तून जैसे होता है। और क्या बताना है? एक शोभा और वो कौन से? शशि आंटी बताते हैं। प्रणाम जी, शशि आंटी कौन सी शोभा और रहती है बड़ी विशेष? प्रणाम जी, जय बच्चे, ये चार भौम पांचवी चांदनी आई है, इसकी चांदनी पर वो चार चह बच्चों की शोभा आई है, जो पांच भूम, जिनमें पांच भूम गहरा जल है। हाँ जी, और क्या करते हैं यहाँ पे हम? और नीचे नहरे चह बच्चे आए हैं, जो कि ऊपर की भूमों में नहीं है, नीचे की भूम में नहरे चह बच्चे आए हैं, और जो कि भूम भर गहरे हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर। रेणु दीदी की तरफ चलते हैं। रेणु मोगा जी बड़ा वो उसमें ना हिंडोले नहर के ऊपर हिंडोले आए हैं, एक चाय बच्चे पे 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है और दूसरा चाय बच्चा खाली रहता है। अरे वाह, देखिए मनन की मम्मी है ये सुंदर साथ जी, जिन्होंने इतना प्यारा नक्शा बनाया था ना, हमारी रेणु मोंगा जी। एक बहन सुषमा जी ने छोड़ा, रेणु जी ने पकड़ा वो हिंडोला और दोनों बहनें सोल सिस्टर्स उन पे बैठ गई। शशि दीदी, विजय आंटी सब ने मिलकर कितना सुंदर वर्णन किया, बहुत ही प्यारा। हाँ जी, एक पे मुख मिलता है और ये वाला खाली होता है, उस टाइम बीच वाला खाली होता है। एक तरफ देखिए सारे हिंडोलों का मुख और दूसरी तरफ वो चह बच्चा जो है वो खाली दिखाई दे रहा है। एक चह बच्चे पर 4 है, एक चह बच्चे पर कोई नहीं है उनके पीछे वालों में, तो पीठ कहीं नहीं मिलती, मुख मिलते हैं, फिर वो चक्री लेकर दूसरी तरफ घूमते हैं और उस चह बच्चे की तरफ पीठ हो जाती है, मिलती कभी नहीं है पीठ पर, हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साहब जी, और बताइए कि किसी का कोई डाउट हो या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कोई मन में आ रहा हो। हाँ जी मीनू दीदी, आप तो मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। चित्रांशी, इसमें जो हमारी दसवीं चांदनी आई है ना, बट पीपल की जो चांदनी है वो 502 मंदिर की है, तो उसको समझा दो कि कैसे 502 मंदिर होंगे। सुंदर साज जी, यहाँ पे जो पीपल की चौकी की जो चांदी 502 मंदिर की महाराज जी ने बताया है, उसकी चौड़ान 502 मंदिर की ऐसे होता है। 100 मंदिर के तो लंबे चौड़े हमारे चौक हो गए 5 चौड़ान में देखे तो ये तो हो गए 500,
और हम लोग आगे सात वनों में ये देखते आ रहे थे कि दो वनों के मध्य में दो मंदिर की रौस आती है, तो उसी प्रकार बट पीपल की चौकी के दक्षिण में ये जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, इन इन दोनों के मध्य में ये दो मंदिर की रौस आई है। तो ये दो मंदिर है, ये भी बट पीपल की 500 है ना सोनिया आंटी? हाँ जी बेटा, मैं एक बार ना आप शेयर रोकना नहीं, ये रुक जाएगा अपने आप, डोंट वरी, मैं इसमें बता, डोंट वरी, ये अपने आप रुक जाता है बेटा शेयर, आप ऊपर से करोगे तो फिर से रुक जाएगा। तो इसमें एक बार हद देखते हैं फिर से सुंदर साहब जी, ये देखिए इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत ईजी है ये, देखिएगा एक मिनट। हाँ जी, तो ये है हमारी बट पीपल की प्यारी सी चौकी, ये देखो आप, ये देखो। अब ना मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ क्योंकि शायद जल्दी जल्दी मैं बोला होगा। ये देखिए, ये जो है ना, यहां से लेके इस नहर के चबूतरे से इस नहर के चबूतरे तक ये बनती है 498 मंदिर की, क्योंकि बगीचे रफली 100 मंदिर के आए हैं पर एक्चुअली 100 के नहीं है, वो 98 मंदिर और इतने इतने हाथ आए हैं क्योंकि इन चबूतरों ने भी थोड़ी जगह ले ली है। तो ये टोटल बट पीपल की चौकी 500 कैसे बनी, ये 498, यहाँ पर एक मंदिर की रौस ये वाली काउंट हुई, और क्योंकि ये दो मंदिर की है ना इधर, तो आधा बट पीपल की तरफ काउंट होता है और आधा इनका ये कुंज निकुंज की तरफ काउंट होता है। तो एक मंदिर की रौस ये वाली काउंट हुई, एक मंदिर की रौस हमारे श्री रंग महल की तरफ, तो ये टोटल हो गया 500 मंदिर की हमारी बट पीपल की चौकी। अब आप चलिए चांदनी के ऊपर, चांदनी के ऊपर यहां पर तो चांदनी पड़ी गई, पूरी चांदनी पड़ी इधर, तो 500 मंदिर की यहां तक चांदनी रही पूरी, ये रौस से लेकर ये रौस तक, एक मंदिर तक, मैं इसको वाइट करती हूँ। हाँ जी, और कहां कहां चांदनी पड़ी सुंदर साहब जी, इसने एक मंदिर इधर और बढ़ा लिया परिक्रमा रौस की तरफ, क्योंकि इनको चौथी भूम से मिलना है, इनकी चांदनी को जाकर उनके छज्जों से जाकर ये मिल गई, तो आप रफली इसको एक मंदिर माने, वैसे तो वहां छज्जा आया हुआ है 33 हाथ का, तो 67 हाथ ही आगे गई है, पर उस छज्जा को मिलाकर आप एक मंदिर इसको मानेंगे, एक मंदिर। और इन क्योंकि इन्होंने इन पेड़ों से भी आगे चल के मिलान कर लिया आगे बढ़ के, तो एक मंदिर इधर से बढ़ गया चांदनी पे, एक मंदिर इधर से, तो टोटल कितनी हो गई, प्लस 502 मंदिर की चौड़ी हो। यस, अब समझ में आई। चीज को इतना धीरे लिया करो ना, नई चीज को, क्योंकि कई चीजें हम पहली वाली क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं, जैसे चौक की है, नहरों की शोभा है और बीच वाले चबूतरे की है, लेकिन ये चीज नई थी। हम लोग कैसे समझते थे सोनू कि 500 मंदिर की है, दो मंदिर इधर से बढ़ाया क्योंकि बीच की रौस है उधर, लेकिन अब से अच्छे से समझ में आया उसकी हद कैसी है, उधर से फिर हमने ये वाली बात क्लियर। सोनू जी एक बार क्लियर दोबारा कर दो जरा प्लीज। अब मुझे रिवाइज करने दो, मुझे जो समझ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कर। विजय दीदी, हम लोग जैसे करते, क्योंकि मेरे को समझना था अच्छे से, समझ में तो आ गया था, लेकिन एक होता है ना प्रॉपर धीरे धीरे समझना, है ना। सब सुंदर साथ अच्छे से समझेंगे इस बात को कि 502 मंदिर कैसे हुए, लेकिन उससे पहले समझने के लिए पहले हमें ये देखना है कि नीचे से प्रथम, यानी कि जमीन से, धाम की जमीन से बट पीपल की चौकी की जगह कितनी आई है। ठीक है, ये हमारी जगह है 498 मंदिर की। मेरे को वो दे दो एरो, इसका वो दे सकते हो। आप कौन से वालों को देना है मुझे पता नहीं, श्री प्रणाम। कोई बात नहीं, आप कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ, आप भी करो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सुंदर साहब जी, जहां जहां एरो जा रहा है, जो मैं बोल रही हूँ सोनू करेगी सही, वो कोई बात नहीं। वो देखो लाइन डाल रही है मेरी, बट पीपल की जगह कितनी ली, ये देखो इस लाइन से लेकर यहाँ तक
मेरी जगह सिर्फ बनती है विजय दीदी 498 मंदिर। ठीक है, अब चलो हमारी नीचे की जमीन के पास रॉस कितनी चल रही है विजय दीदी, आप अनम्यूट रहो और साथ साथ बोलो, अनम्यूट करो अपना। दो मंदिर की चल रही है ना, ध्यान से सोचो यहाँ कितनी चलती है रॉस हमारी, बट पीपल की चौकी के बाद बड़ो मंदिर कितनी है, एक मंदिर की। अब ये कितनी होगी, 498 प्लस एक कितनी होगी, 499। अब हमें 500 करना है, अब वो 500 कैसे, अब आप ये जो बड़ो वन की हमारे वृक्ष आ रहे हैं पांच बड़ो वन के, इनके बीच में दो मंदिर की जगह थी, ठीक है, लेकिन आधी आधी उधर उधर आधी होती है बड़ो वन की और आधी हमारी वाली बट पीपल की चौकी की होती है, तो एक मंदिर इसका हो गया, तो ये टोटल हो गए ना 500 मंदिर। हाँ जी, हाँ ठीक है, अब ये पूरी जगह 500 होगी। अब ये तो होगी नीचे की जगह, अब चलते हैं ऊपर चांदनी। चांदनी ये चांदनी पे 502 कैसे हुए, वो कैसे हुए, क्योंकि चांदनी में क्या है, सब छतें मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं, रंग महल से मिल रही हैं, तो रंग महल की धाम रोज कितनी आई थी हमारी, एक मंदिर की, तो 501 मंदिर हो गया। ठीक है, और उसके बाद उसने बड़ो वन से भी मिलान किया वो वाला एक मंदिर, तो टोटल कितना हो गया, 502 मंदिर हमारी ये चांदनी हो गई। इस तरह से कंप्लीट होता है हिसाब, वैसे हम इजीली समझना चाहें, जो फर्स्ट बारी समझ रहे हैं तो हम उनको इजीली समझा सकते हैं, क्योंकि हम कर चुके हैं तो हम डिटेल में समझ लेते हैं, और जिन्होंने पहली बार समझा है तो उनको सीधा सा समझा देंगे कि एक मंदिर इधर बढ़ाया, एक मंदिर इधर बढ़ाया, तो दो मंदिर की 502 मंदिर की चांदनी। एक वो श्रीनिवास जी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो हो गया था क्लियर मेरे को, मीनू मंदिर वो चल के और 28 हाथ चल के जो 22 सीढ़ियां चढ़ी थी। नहीं आंटी, वो अभी तक हुआ नहीं है। हाँ मैं कहा, मीनू भाभी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, अगर चांदनी पर 502 है तो फिर सभी भूमों पे होना चाहिए सिर्फ ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के। चांदनी से मतलब आप फोर्थ थर्ड पे भी जा रहे हो तो भी सेम है। हाँ, सभी की 502 मंदिर को, क्योंकि वो बड़ो वन के वृक्षों की भूमों से मिलान कर रहे हैं और इधर रंग महल से मिलान कर रहे हैं, तो बिल्कुल दोनों तरफ हर तरफ 502 मंदिर चांदनी। एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ जी, आप चित्रांशी जगह 10वीं भूम में जो दहलान बनी ना, वो जरा समझा दीजिए, दहलान वाली जगह, दो दहलाने बनी थी ना, वो उस दिन मैं एब्सेंट थी शायद, या मैंने देर से आई थी, हाँ जी आंटी, यहाँ पर जो दहलान बनेगी ये हाँ। दहलान सबसे पहले जो बाहर जो परिक्रमा रॉस आई है हाँ। वो परिक्रमा रॉस, और फिर जो उसके बाद जो बाहरी हार मंदिरों की आई है वो वाली जगह हाँ। और एक जो अंदर की गली आई है, ये तीनों तीन मंदिर की जगह चारों तरफ घूमकर ये दहलान बनाई गई है, और ये दहलान हमारी 10वीं चांदनी की जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर है, यहाँ से चांदे से सीढ़ियां हर हाथ में जाती हमें नजर आ रही है, तो ये दहलान हमारी 3 सीढ़ी ऊपर आई है, 3 मंदिर की जो है, मतलब बाहर की रॉस हो गई, मंदिर की जगह हो गई, और एक पहली वाली गली, और ये गली पहली वाली। अच्छा। पहली वाली गली, इन तीनों से दो तीन सीढ़ियां थंब हो गए, चार हो गए, तीन थंब हो गए, चार हो गए, चार चार होंगे, क्योंकि चार के मध्य में ही ये तीन मंदिर की जगह आएगी। अच्छा, ये खाली खाली थंबों की नहीं बनी हुई आंटी ये दहलान, इसमें और भी शोभा है काफी सारी। क्या है, ऊपर है, ऊपर शोभा आएगी ना,
शोभा ऊपर आएगी ना? हाँ जी हाँ जी, वो ऊपर जो एक 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 भूम ऊपर जो ग्यारहवीं चांदनी बनेगी वहां पर गुमटियों की शोभा हाँ, है हाँ, कंगूरे की, कलश की, पताका हाँ की हाँ, तो हाँ जी, ये आंटी दहलान भी खाली थंबों की नहीं आई हुई है वहां पे, वहां पे अंदर दीवार फिर साइड में खुले हुए वैसी हाँ, डिफरेंट सी दहलान है, उसके लिए तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अच्छा एक बार चित्रांशी आप रिपीट कर सकते हो तो कर दो, दहलान की आवाज कट रही है चित्रांशी की। हाँ जी क्लियर नहीं सा आ रहा ना ये बाहर। अब आ रही आंटी, साफ आ रही है आवाज? हाँ बेटर आ रही है आंटी। ये जो दसवीं भूम पर जो दहलान बनेगी ये हाँ, बाहरी हार जो हमारी परिक्रमा रॉस है हाँ, और जो बाहरी हार मंदिरों की हार आई है हाँ, और जो पर... प्रथम गली आई है जो त्रिपोलिया आते हैं उसमें से जो हाँ, पहली गली आई है। अच्छा ये तीन मंदिर की जगह हमारी दसवीं भूम की जमीन से तीन सीढ़ी ऊपर है जहाँ पे हर हांस में हमें चांदे द्वारा सीढ़ियां चढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। हाँ, दिख रहे हैं। और जो ये मंदिर आए हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर संधि वाली दीवार आई है, दीवार के मध्य में ही सीढ़ियां हैं जिससे हम ऊपर ग्यारहवीं चांदनी पे जा सकते हैं। बस इतना ही है? हाँ जी हाँ जी, तकरीबन इतना ही है। आप बीच में ना जैसे बीच में दरवाजा आता था ना जहाँ नीचे वाले मंदिरों पे, दरवाजे की जगह पे दीवार आई है और साइड वाली मेहराबों की जगह खुली आई है, वहां से आप अंदर जा सकते हैं। और अंदर सिर्फ ये अंदर की दीवार की बात कर रहे हैं हम लोग, अंदर जब मंदिर के जाएंगे तो उसके बाद साइडों में भी ऐसी शोभा, सामने भी अगल बगल भी, यानी पाखे की दीवारों की। हाँ जी हाँ जी, सुंदर साथ जी। हाँ जी मधु दीदी, हाँ जी। अच्छा आपने हैंड रेस किया हुआ, मुझे लगा कोई क्वेश्चन। मैंने वो चांदनी के लिए पूछने के लिए किया था वो। अच्छा। जब भी तो मैं लोर कर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, कोई और संशय है आप पूछिए। संशय ही नहीं है चित्रांशी आप पूछ लीजिए, फिर आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा क्योंकि उसके बाद समय हो जाएगा। आंटी मेरे क्वेश्चन हो गए, अब आप कोई भी पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। अरे वाह मधु दीदी भी बड़े अच्छे पूछती है। मधु दीदी आप पूछिए या। हाँ जी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो हमारा 16 हांस का चाहे बच्चा रंग महल के चारों कोनों में आया है, चबूतरे के कोनों में, नीचे भोंबर ऊंचे चबूतरे के कोनों में, और जो चांदनी पे हमारे चार चाहे बच्चे आए हैं पर मध्य जो कमर भर ऊंचा चबूतरा चांदनी के मध्य में आता है उसके कोनों में, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? वेरी गुड क्वेश्चन। चबूतरे के साथ लगकर जो चार चाहे बच्चे आए हैं नीचे परमधाम की पहली भूम के साथ, उन चार चाहे बच्चों में, और ऊपर चांदनी के जो चार चाहे बच्चे जो स्तून खुलने से बने हैं, उनमें क्या क्या अंतर है? हाँ जी अंजलि आप बताइए, फिर उसको नरेश भैया पूरा कवर करेंगे। हाँ जी प्रणाम। जो जो रंगमोल की मतलब अगिन कोण में जो 16 हांस का चाहे बच्चा आया है उसकी भूम भर ऊंचा है वो, और जो चांदनी पे आया है वो कमर भर ऊंचे हाँ, चबूतरे पे आया है, और हैं तो दोनों सिमिलैरिटी हो गई, 16 हांस के हैं दोनों, और उसमें एक हांस जो है वो 30 मंदिर का होता है नीचे जो अगिन कोण का हो गया, और चांदनी पे उसका 8 मंदिर का एक हांस है आई थिंक। हाँ जी और डिफरेंसेस। हाँ जी नरेश भैया, मोनिका दीदी की आवाज सुनी हमें आपके उसमें से सुनी, बड़ा अच्छा डिफरेंस बताया मोनिका दीदी आपने, वो 11 बोम गहरा है देखिए। हाँ जी एक मैं बताऊं। हाँ जी प्लीज।
वो उनका ना जो बच्चा जो चांदनी में आया हुआ है वो नहरों के उसके उस पे मिला हुआ है, क्या बोलते हैं उसके, नहरों की पाल के साथ पाल मिला हुआ है, नहरों के चबूतरों से मिला हुआ, चबूतरों से मिला हुआ है। हाँ, और फुलवारी से, इधर फुलवारी से भी मिला हुआ, इधर चौक से। एक तरफ नीलम दीदी, एक तरफ नहर के चबूतरे से और दूसरी तरफ फुलवारी, और धाम जो बीच में एकदम सेंटर में गोल चबूतरा आया, एक तरफ उधर से मिला हुआ। हाँ जी, एक दीदी मैं बताऊं? हाँ जी प्लीज। हाँ दीदी, जो बाहर आए हैं हमारे चारों चाहे बच्चे रंगमहल के बाहर, उनमें अंदर जल चबूतरा है, और ऊपर जो आए हैं उनमें जल चबूतरा नहीं है, नहीं जो आए हैं नहीं है, आए थे, मुझे मुझे जहां तक लग रहा है उसमें तो होना चाहिए वैसे, जहां जल कमर रह रहे हैं ना। अच्छा हाँ, उसमें चबूतरा तो है पर उसमें मैं वर्णन करना भूल गई थी शायद, मैंने उसमें जल चबूतरा बोला आता है जहाँ पानी की बात आती है। हाँ, तभी उसमें तीन तीन सीढ़ियां उतरने के लिए चारों तरफ से हैं, उसमें भी ऊपर नहीं करा था सोनू तुमने वर्णन, मुझे याद है। मैं भूल गई होंगी शायद कि किया था कि नहीं। और बताइए, और ग्यारह भूम वाला तो हो गया, ग्यारह भूम ग्यारह जल है उसमें, और उसमें दो भूम जल हो गया। हाँ जी, एक मिनट नरेश भैया इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि विजय आंटी पूछ रहे हैं कि वो कमर गहरा नहीं है। कौन सा? वो चांदनी की वाला बच्चे आए हैं, हाँ वो तो कमर भरी है, वो नहीं नहीं वो ग्यारह भूम ग्यारह, वो तो क्योंकि वो नीचे से आ रहे हैं ना, दस भूम तो हमारी वो हो गई इनके नीचे। और डिफरेंस बताइए सुंदर साहब जी, सिर्फ जो चबूतरा, जल चबूतरा कमर भर गहरा, जल चबूतरा कमर भर गहरा। एक चीज और है कि भाई जो ऊपर वाले हैं उनमें जो छह बच्चों में जो सीढ़ियां हैं चांदो द्वारा, सिर्फ दो जगह से, क्योंकि एक तरफ नहर से है जुड़ा हुआ, एक तरफ जो बीच में चबूतरा है उससे जुड़ा हुआ है, जबकि नीचे हमारे, नीचे हमारे तीन चांदे हैं, तीन चांदे और दो सीढ़ियां रंग महल की दीवार से लगती हुई आ रही है। वापस और बताइए सुंदर सर जी, और इसमें जो है मधु जी, शिल्पा ने बहुत सुंदर ये लिखा है, मैं सोच रही थी, मैं भी यही सोच रही थी, शिल्पा आप खोल के बोलिए इसको। दीदी मैं भी छतरी मंडल का ही सोच रही थी, ऊपर वालों का छतरी मंडल नहीं है। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, पर मैं बोल भी नहीं, एक घंटे तक 60 डिफरेंस आ जाएंगे। हां जी, अभी आपके हैं, और एक डिफरेंस ये भी तो है दीदी कि जो चांदनी पर दो तरफ चिड़ियां उतरी हैं, और वो तो बता दिया, पर नीचे पांच, तो नरेश भैया कब के बता गए, ये वाले मैं उठ गई थी। सर जी और बताइए, और सोचिए, और सोचो। हां जी मनु दीदी, आप और मैं नीचे चलती हूं। अरे अनिल कोहली जी, वो तो कैसे हैंडल कर रहे हैं अनिल जी। अनिल जी बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नीचे वाले छह बच्चे में भूम पर ऊपर है तो 100 सीढ़ी है। वेरी गुड। और वहाँ पे तीन सीढ़ी है ऊपर, वहाँ कमर भर। और बहुत सुंदर, वेरी गुड, उनका चबूतरा कमर भरी ऊंचा है, बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने, वेरी गुड। हाँ जी मोनिका दीदी आप बोलिए। वो तो क्वेश्चन में ही है कि वो परमधाम की जमीन पे है और वो चांदनी पे है। क्या बात है, वेरी गुड। नीचे वाले जो छह बच्चे आए हैं वो रंग महल की बाहरी दीवार से लगे हुए हैं, और ऊपर वाले जो है वो मध्य वाले चबूतरे पे से लगे हुए आए हैं, उनका एक हाथ जो है वो बाहरी वाले मंदिरों से लगा हुआ है। और नीचे वाले छह बच्चों पे छतरी मंडल पड़ते हैं, वो तो बच्चा है वो परिक्रमा रोन से जुड़ा हुआ है, और जो ऊपर वाला छह बच्चा है वो बीच वाले चबूतरे से जुड़ा हुआ है। और ये भी तो हो सकता है सोनिया जी, उसकी कोट दीवार नहीं है आकाशी महल के नीचे वाले में, कोट दीवार आएगी। चलिए मैं बता देती हूँ, अब मैं बता दूँ। जो नीचे वाला छह बच्चा है उसका जो लंबाई चौड़ाई है 160 मंदिर की लंबी चौड़ी है, और ऊपर वाले की 8 मंदिर की लंबी चौड़ी है।
रोज पढ़ते हैं। और मधु दीदी उसकी चबूतरा की पिठोर में वृक्ष लगे हुए हैं, इस चबूतरा की पिठोर में कोई वृक्ष। और हांस में भी फर्क है, वो 30 मंदिर का हांस है नीचे 16 हांस का, ऊपर 1.5 मंदिर का हांस है। चबूतरा को घेर कर दो मंदिर की फिर कोई रोशनी आई, बट पीपल की तरफ यहाँ पर घेर कर रोशनी आई हुई बहुत। उसके आसपास मधु दीदी, उसके आसपास आप परिक्रमा कर सकते हैं, पर इनके ऊपर चढ़ के परिक्रमा करनी, कठेड़े नहीं है। सुबह की वीडियो देखी है, उसमें जो नृत्य कौन वाला था बच्चा, एक और सुबह आपने बात बोली थी कि रंग महल का चबूतरा ठोस है, और मेरे दिल में आया था कि वो ठोस नहीं है। उस चीज को क्लियर करो कि वो ठोस है कि बोला है, क्योंकि श्रीवास्तव जी से बात हुई थी। नक्शा हटा दो चित्रांशी, मैंने तो लालदास की लालदास जी की तरह उस पे बैठ कर पोला और ठोस नहीं देखा, मुझे नहीं पता आप ज्यादा क्लियर कर सकते हो इसको। नहीं, आपने बोला था ना आज, तो मैंने आंसर में चैट में लिखा था कि नहीं पोला है, क्योंकि श्री वास्तव जी से बात हुई थी। एक तो रीजन ये बताया कि पीछे से सीढ़ियां जा रही है अंदर नूरबाग में, तो एक तरफ से तो पोला हो नहीं सकता ना, यदि सीढ़ी गई है तो नीचे जगह होगी उसके अंदर अंदर जाने की। और एक और रीजन उन्होंने बताया था कि जो चित्रकारी बनी हुई है पशु पक्षी और ये, कहते ये उनके रहने का अंदर स्थान है, अंदर रहते हैं, यहाँ पे अंदर जगह है, वो रहते भी हैं। तो मैंने कहा ये रिटर्न में कहीं लिखा नहीं, लेकिन सीढ़ियों का तो रिटर्न है ही ना कि वो चबूतरे में से अंदर से जा रही है। मीनू भाभी हमारे स्तून भी तो नीचे तक जा रहे हैं, जल जमीन से ही तो ला रहे हैं। हाँ वो तो है ही, क्योंकि मोटा रीजन तो हमारी सीढ़ियां जा रही हैं नूरबाग। एक मिनट मीनू जी, कौन सी जगह की बात कर रहे हो आप, मैंने सुना नहीं। रंग महल का चबूतरा है, रंग महल का चबूतरा भाई ठोस बोला ना कि भाई ठोस नहीं है वो, एक बहुत ऊंचा उठा है। हाँ जी हाँ जी, वो अच्छा उसमें मतलब है कुछ पोला है, वो पोला है क्योंकि सीढ़ियां गई है अंदर से। हाँ जी, तो इसीलिए हाँ जी वो पोला ही होगा, मेरे मुख से निकल गया होगा। नहीं ऐसे मत सोचो, सोनू ऐसे नहीं, हम आपस में सहूरी तो कर रहे हैं, सहूर कर रहे हो ना आप, लेकिन आपने सही बोला, ये मुझे इससे इससे पहले सब ठोस ही बोलते थे। नहीं वो मेरे को श्रीवास्तव जी ने सुदेश आंटी ये बहुत देर पहले बताया था, और वो रीजन सीढ़ियां हम निकाल रहे हैं ना नूरबाग की, तो दिल में आया था कि नूरबाग की सीढ़ियां गई हैं। बाकी तो सब ट्रांसपेरेंसी भी है, सब कुछ है, तो पहले बेटा ठोस ही बोलते थे है ना, अब उन्होंने भी बताया कि पोला ही है, मैंने भी सुना ही था बात। उनके मुख से सुना था आंटी। इसका मतलब मीनू दीदी सारे परम धाम के चबूतरे हमारे पोले ही होने चाहिए, पानी तो हर चबूतरे के नीचे हमें मिलेगा ही मिलेगा है ना मोस्टली। हाँ मतलब यदि हम लॉजिकली देखें, क्योंकि अभी वो उस चीज को हम नहीं समझ रहे, एक नियम से ही समझ रहे हैं ना कि ये क्या रूल है, उसी हिसाब से समझ रहे हैं। बाकी तो चेतन प्रणाम जी, प्रणाम जी हॉस्पिटल से सबको, आप अच्छे से कैमरा खोल के अच्छे से दर्शन करेंगे हम अंकल जी के, हाल चाल हमारे सब ठीक, आपने बोला बहुत अच्छा लगा, करवाती हूँ बेटा मैं। हाँ जी आप उनको बिल्कुल, वो अभी ना सो रहे हैं, कोई बात नहीं आप अपना दर्शन तो दे दो, हम आपके अंदर ही उनको देख लेंगे। ठीक है बेटा, अभी देखिए नरेश जी के उसमें से हमने मोनिका जी की आवाज सुन ली ना, हम यहीं से डैडी जी के भी कर लेंगे और क्या। सो भी रहे हैं और डॉक्टर आने वाला है, कोई बात तो मेरा मन करा तो मैंने एक मिनट के लिए खोल लिया, मीनू से प्रणाम होनी थी। प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह किरण दीदी, किरण दीदी ना छुप छुप के आती हैं, जैसे राजी छुप छुप के देखते रहते हैं ना। मीनू जी सीढ़ियां तो नूरबाग की तरफ उतरी हैं, इसमें सारा चबूतरा पोला होगा। आई डोंट नो, उन्होंने जो बोला, अब किरण दीदी आ गई हैं तो मेन आंसर उनकी तरफ से आ जाएगा,
कि कैसा है प्रिंसिपल साहब आ गए। मैंने मैंने श्रीवास्तव जी की नहीं सुनी, लेकिन जो मैंने सुना हुआ है या देखा है कि ठोस ही है, क्योंकि सीढ़ियां उतरी है वो एक सुरंग के रूप में, और जो जल स्तून आ रहा है वो तो सभी में आ रहा है। जहाँ पोले का वर्णन आता है उसके नीचे पूरी मोहल आते हैं। अगर अपन ने बोली है टापू महल की वो चौरस पाल पोली, तो उसके तले पूरी मोहल आते हैं। इसके नीचे ऐसे मोहलातों का वर्णन नहीं है, बस 10 सीढ़ियां गई हैं, वो तो सुरंग रूप से भी चली जाएंगी। तो उसके लिए पूरी पूरी की पूरी चबूतरे को तो अपन पोला नहीं कह सकते। वो श्रीवास्तव जी ने समझाया मुझे, तो मैंने वो मैंने सुनी नहीं, इसलिए वो सुनी नहीं मैंने अभी तक। उन्होंने मुझे समझाया तो मैंने आगे शेयर कर दिया, बाकी तो नहीं, नहीं वो सही होगा, पर मैंने नहीं सुना वो अभी तक। जो मैंने सुना हुआ मैं वो बता रही हूँ। दीदी हमारे पास एक लास्ट पॉइंट आता है, जिसको जैसा मन भाए, जैसा मन भाए, जिसको जैसा मन भाए। और बाकी देखो परम धाम का है, अंदर चले जाएंगे, परम धाम का है, पोला है, हम कहीं से भी आर पार जा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना जी। वो तो उन्होंने एक लीला रूप में मुझे समझाया था कि ये जो बनी हुई है ये रहती है अंदर, पता नहीं बात करी थी उन्होंने श्री बात हुई थी मुझे भी यही बताया था तो मैंने कहा ठीक है भाई, चितवन वो लगाते हम तो उनके जैसे कहते हैं मान लेते हैं। अब जैसे किरण दीदी जो बात समझा देती है, एक बात मन में घुस जाती है कि हाँ उन्होंने ये चीज समझाई, तो दिल में बैठ जाती है। मैं जिद्दी वाला स्टूडेंट हूँ, वो कुछ कहती भी है ना तो मैं उनको बोलती हूँ नहीं किरण दीदी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हमेशा ऐसे करती है, मैं जिद्दी वाला स्टूडेंट हूँ। नहीं कई बार सोनिया ऐसा होता है हमारे को लॉजिक्स देखने लग जाते हैं हम लोग। हाँ जी बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि किरण दीदी ने कुछ बोला दीदी ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी, जैसे एक वो स्टूडेंट नहीं होता जैसे मीनू दीदी ने शुरू में बोला था ना कि तुम हमारे बच्चे जैसी हो, किरण दीदी को मैं वैसे ही लेती हूँ बिल्कुल। सीमा दीदी से तो मैं ऐसे गले में बाहें डाल के ना उनके तो कुछ भी पूछ लेती हूँ, सीमा दीदी फिर से पढ़े ऐसे, और किरण दीदी से मैं बच्चे जैसे वो करती हूँ कि किरण दीदी ऐसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए। तो बहुत आनंद आ रहा है इस सब में ना, और मीनू दीदी से डिफरेंट तरह से एक वो एक प्यारा सा एक वो बन जाता है ना नाता राजी महाराज का, तो बहुत आनंद आ रहा है इसमें, बहुत आनंद। मेन तो सहूर चल रहा है ना, अपने मुख से उनका गुणगान हो रहा है, चाहे वो कैसे भी हो रहा है, परम धाम का हो चाहे कुछ हो, राजी का नाम ही तो ले रहे हैं सब मिलके। इसको हम आर्गुमेंट ना समझे, नहीं आर्गुमेंट नहीं है, तो वैसे भी अपन अगर उससे लेते हैं आगे की अपन बात लेते हैं मार्फत की या नूर की, तो सब राजी का आत्म स्वरूप है, तो कहीं भी कैसे भी जा सकते हैं। किरण दीदी आप बहुत प्यारे से मुख से ये बात कह देते हो। लेकिन आंसर भी दे देती है, फिर बाद में ये भी कह देती है कि नहीं कहीं भी कहीं जा सकते हैं, वो तो फिर बात ही सब खत्म हो जाती है ना, बात ही खत्म हो जाती है, आदमी सोचता रहता है। किरण दीदी फिर तो गिनती विनती कोई कुछ भी ज्यादा वो करने का कुछ है ही नहीं, रह ही नहीं जाता ना, कुछ नहीं रहता। पता क्या होता है, जैसे अभी अपन चाय बच्ची की शोभा कर रहे हैं गिनतियों के साथ कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, एक बार क्लियर होने के बाद फिर गिनती कहाँ देखनी, फिर भूल जाती है, फिर कोई कहाँ देखनी जाता उस चीज का कि ठीक है। लेकिन दीदी यदि आप एक नन्हे मुन्ने बच्चे को समझाना हो तो आपको उसको कैसे समझाना पड़ेगा, उसका एक अलग तरीका हो जाता है, नहीं उसको हम ये नहीं समझा सकते कि 78 के हाथ का तना गया है फिर 22 क्या, उसको हम यही समझा सकते हैं ये थोड़ा पेड़ बड़ा है तो थोड़ा छोटा है, उसकी छोटी डाली है तो यहाँ से सीढ़ी उतार दो। मुझे लगता है नन्ना मुन्ना बच्चा जो होगा ना वो ज्यादा कोशिश करेगा, जो हम लोग सीखे सिखाए होते हैं ना क्या करना है। नहीं मेरी एक्चुअली सुरभि से बात हुई थी, मैं नन्हे मुन्ने बच्ची से ही बात करी थी, मैंने कहा बेटा आपको कैसा लग रहा है, आप कर पा रहे हो, क्योंकि मेरे को उसको बिठाना है छुड़वाना नहीं है, रीजन इज दिस कि बेटा आपको कुछ आगे चल रहा है या कुछ, कहती मम्मा जहाँ बहुत सारी होती है ना काउंटिंग तो फिर मेरे को वो वैसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहीं जहाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है उसने, मैं उससे रोज पूछती हूँ आप कहाँ तक समझ में आया, कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि फीडबैक तो लेना ही पड़ता है ना कि आप टिके रहो कहीं जाओगे नहीं छोड़ के, कि मैं कहती हूँ कि नहीं तुम बैठो, यदि तुम्हें गिनती जैसे सोनू कहती है गिनती छोड़ दो, और मैं भी सेम ही यही बात बोलती हूँ कि बच्चे आप ये यहाँ तक का छोड़ दो, आगे की चीज को समझो, उसको नक्शा समझ में आ जाए, फिर वो मेरे से इजी वे में भी कई बार पूछती है तो मैं उसको इजी वे में बता देती हूँ कि ऐसा नक्शा है ऐसा बना हुआ है। तो एक मैं एक वैसे प्रैक्टिकल बात कर लूँ
कि बिल्कुल मीनू दीदी, मैंने उस दिन सरोज आंटी से यही बात कर रही थी, कुछ ना जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो ना ट्रेवल करने के लिए, कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सारे स्टेशनों के नाम भी उनको रटे होते हैं, कहाँ गाड़ी कितने मिनट रुकेगी, इस स्टेशन पे भटूरे छोले अच्छे मिलते हैं या टिक्की अच्छी मिलती है, उनको सारा पता होता है। और यहाँ पर ये बंदा रोज हर बार खड़ा मिलता है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन, टीटी कौन सा यहाँ है चेक करने वाला। दूसरा एक बंदा ना वो खाली म्यूजिक लगाता है और अपना पूरा रास्ता उसका निकल जाता है, उसको पता ही नहीं लगता। तीसरा है वो बुक की पढ़ता रहता है। चौथे मियां बीवी हैं जो लड़ते लड़ते ही पहुंच जाते हैं, लड़ते लड़ते उनका डेस्टिनेशन आ जाता है, उनको पता ही नहीं लगता है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्यार से खेलते हुए पहुंचते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं माँ बाप को परेशान करते हुए पहुंचते हैं। तो हम सब यात्रियों में बस ये फर्क होता है कि किसी को तो पूरे स्टेशन याद है, मंजिल सबकी एक ही है, पहुंचना सबने वही है, पर सबका स्टाइल उसको समझने का, इस यात्रा के आनंद का स्टाइल सबका अलग अलग है। परम धाम में पहुंच के याद करेंगे, अरे तेरे को तो बड़ी गिनतियां आती थी, मेरे को तो आती नहीं थी, मैं तो इसमें करके शोभा में चला गया। तो पहुंचना सबने वही है, बस हमारा रास्ता, हमारा लेने का नजरिया, हमारा शोभा को अंदर लेने का मेथड अलग अलग है। कोई तो प्रकृति का आनंद लेते हुए पहुंच दूसरे को अप्रिशिएट करो, अरे वाह आप गिनती करके जा रहे हो, मैं तो बिना गिनती के इतना सुंदर समझ रहा हूँ। आजू पकड़ के जा रहे हम तो, आजू जो म्यूजिक सुन के अपनी धुन में जा रहा है डेस्टिनेशन का, बस उसे पता है वो अच्छा है ना दीदी। और सोनू सबसे ज्यादा मजा किस में आया, मुझे उसकी तरफ ध्यान देना है। सुनीता दीदी इसका जवाब देंगी। हाँ मैं बता तो रही, जो अपनी मस्ती में बैठा म्यूजिक सुन के जा रहा है, बस उसे डेस्टिनेशन का पता है मुझे कहाँ जाना है। तो ये है यहाँ पर आते हैं जीव के स्वभाव, उनको वो पसंद है तो वो उसमें एंजॉय करके जाएंगे। मैं तो म्यूजिक से जा रही हूँ वही। और कुछ लोग ऐसे हैं उनको इसमें इंटरेस्ट आता है, सामने यात्री बैठे हैं ना, मैं उनसे पूरी बात करूं, मुझे चर्च नहीं, मुझे डेस्टिनेशन पता है 4 घंटे बाद आ जाना है, पर सामने का या वो ले रहे हैं जागनी का सुख, जो सुंदर सा चर्च नहीं करते ही नहीं, वो जागनी करते, मैं इसको भी इंफॉर्मेशन दूं, मैं इसको भी इंफॉर्मेशन दूं मेरे राजी कैसे है, तो उनका सुख अपना अलग ही है। तो हर प्रकार का सुख कोई किस सुंदर साहब को, और जब कट्ठे बैठेंगे ना एक स्टेशन ऐसा आएगा राजी बोलेंगे अब सारे कट्ठे बैठ के अपने अनुभव शेयर करो, तू कैसे आया था, तो आज ये स्टेशन आ चुके हैं सोनू, यहाँ बैठे हैं ना, ये हमारा स्टेशन ही है जो हम बता रहे हैं अपने दिल की बात, क्योंकि वहाँ उस वाली क्लास में तो हम ये सब बोलते नहीं है, तो यहाँ खुली छूट मिल गई है सबको बोलने की। बहुत अच्छा किया सरोज आंटी आपने, ये टाइम सही कर दिया दीदी। और पता है एक बात मैं और शेयर करना चाहूंगी, एक मिनट बुला रहे हैं, पौने पांच होने वाले हैं, एक मिनट सुनीता दीदी कुछ बोल रही है। हमें श्रीवास्तव जी से बात हुई थी मेरी एक बारी जब यहाँ दिल्ली में आए थे बैठक में, मतलब वो तो जैसे मार्फत की बात चर्चनी मतलब ध्यान में चितवन में करते हैं और देखते हैं, तो वो कह रहे थे कि मतलब मेरे मुंह से अब मतलब रंग माहौल निकलता ही नहीं है, पुखराज पहाड़ निकलता ही नहीं है, मतलब वो भी तो राज्य का ही स्वरूप है, श्री रंग माहौल, श्री मतलब पुखराज पहाड़, कह रहे इसके बगैर मेरे मुंह से और कुछ निकलता ही नहीं है। मैं सीधा कह दूं हम लोग धड़ल्ले से बोल जाते पुखराज पहाड़ सीख रहे, नहीं वो मेरे मुंह, मैंने देखा कहते वो उनकी आंखें मतलब ऐसे बता रही थी कि वो मेरे पिया का स्वरूप है, श्री पुखराज पहाड़ बोले हम, पुखराज साहेब, श्री रंग महल बोले, साहेब बोलते हैं, पुखराज साहेब, पुखराज साहेब बोलते हैं वो, मतलब मेरे को इतना लगा, मेरे को मैं कहा यार ये कहाँ तक चितवन में देखो इन्होंने इतना पहुंचे हुए और कैसे ये बता रहे हैं, हम लोग तो ऐसे बोलते पुखराज पहाड़ सीख रहे हैं, नहीं जैसे सोनिया में बोलती है श्री चे बच्चा जी बीच में आ गए बोलती है ना ऐसे सोनिया, वो भी मतलब वो तो देख के मतलब वहां की बातें देख के और पूरी बात मार्फत की करके और फिर हमको अनुभव से बता रहे, मेरे को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। कहते हैं आप बोल दे तो रंग माहौल ऐसे नहीं बोलना, श्री रंग माहौल बोलिए,
लेकिन हम वहां की अवस्था तक पहुंचे तब हमको थोड़ा सा यूं लगे ना, ये चीज है। बिल्कुल दीदी, बहुत अच्छा ये आपने बताया। भावना दीदी भी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी दीदी मेरे को वो पॉइंट छह बच्चे वाला क्लियर नहीं था, और आज बारी बारी नेक ने परेशान किया, मेरा वो पॉइंट आज भी रह गया क्लियर होने। कौन सा जो छत्री मंडन डाला था ना कल, वो सोचा था कि आज क्लियर हो जाएगा, पर आज अब जाके नेक सही हुआ, पहले नेक की वजह से मैं क्वेश्चन कर नहीं पाई, बारी बारी नेक जा रहा था मेरा। कौन से छत्री मंडल दीदी, कौन से नृत्य, कौन के नृत्य कौन का? चाहे सुबह ले लूंगी यदि टाइम अब हो चुका है, सुबह मीनू दीदी से टाइम हो गया, दिक्कत नहीं है, सुबह ले लूंगी मैं क्वेश्चन। हाँ जी, एक मिनट आपको बताती हूँ, एक मिनट में यदि समझ में आता है, नहीं तो हम लोग इसको कल या सुबह, छुट्टी है नहीं तो सुबह आज आ जाएंगे हम लोग, डोंट वरी। सुबह नहीं, सुबह मीनू दीदी लेंगी ना जो बिल्कुल। हाँ जी, कोई आप क्योंकि अब टाइम भी हो चुका है इसी वजह से, कोई बात। हाँ जी ठीक है, आज भी भावना दीदी रिकॉर्डिंग हुई है, आप उसमें भी एक बार जी, आज एक बार ट्राई करूंगी कि रिकॉर्डिंग सुनने के बाद शायद हो जाए क्लियर। हाँ जी हाँ जी, टाइम हो गया, जयकारा लगा दो। हाँ जी हाँ जी, हमारी चित्रांशी ने बहुत अच्छा बेटा आपने क्लियर किया, वेल डन। ऐसे ही हमारे बच्चे युवा आगे आए, एक दिन हम सुरभि को भी देंगे कि वो भी क्लास ले यहाँ पे जितने, और हम सुंदर साथ उनका हौसला बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन पूछेंगे जैसे जैसे बच्ची जवाब दे सकती है, इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चंस। हाँ जी, वेरी वेल डन बेटा राजी, ऐसे ही आप पर मेहर बनाए रखे और आते रहो ऐसे सुंदर साथ के बीच में। जयकारा लगाओ बेटा आप ही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, हर सुंदर साथ की जय। जय 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 जय